आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो 2003 का मॉडल है, उसको हमने रिप्लेस किया है S10 में। S10 बोलेगा तो 2017, 18 या 20 में बोल सकते हैं आप, जो S10 आया था। आप स्कॉर्पियो का S10 मॉडल बनने के बाद आप देख सकते हैं इसका वीडियो, जो आपको स्टैंड बाय पहले आपको वीडियो में तो दिखाई दिया है, और बाकी गाड़ी बनने के बाद आपको मैं एक एक चीज़ से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा ये कार में हमने पूरी टीम जो पूरा वर्क किया है, एक एक चीज़ें देखने के काबिल है कि किस टाइप से गाड़ी बनी है, क्या गाड़ी थी, किस एंगल से गाड़ी थी। जो बॉडी लाइन था इसका ऑलमोस्ट पूरा रस्टिंग हो गया था, पूरा रस्ट से टॉप टू एंड तक पूरा बॉडी रस्टिंग था। इसको हमने पूरा बॉडी रिप्लेस करके नए मॉडल में कन्वर्ट किया है। कार का ओनर का एक पर्सनल टच था कि हमको गाड़ी बनाना ही है, बेचना नहीं है, तो उसमें हमने इसको पूरी मेहनत के साथ में दिल से लग के जो काम किया है, एक स्टैंड आउट उठ के आ रहा है गाड़ी में। आप देख सकते हैं चारों तरफ गाड़ी के प्रोफाइल से आप समझ जाएंगे कि S10 बनने के बाद कैसा लुक आ रहा है गाड़ी का। एक एक चीज़ बताना चाहेंगे, फेसलिफ्ट जब चेंज होता है कार का तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। फ्रंट का सो ग्रिल रिप्लेस होता है, बोनट, बम्पर, साइड का फेंडर वगैरह सारी चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ती है। जो एक्स्ट्रा फिटिंग के वर्क हुए वो भी वर्क हुआ है। कार आया है पुणे से, हम बताना चाहेंगे आपको, गाड़ियाँ आती है बहुत दूर दूर से, लेकिन उनके मन का काम होना चाहिए, इसके लिए KGN ऑटो में आती है गाड़ी बनने के लिए। तो हम कस्टमर का भी एक जो उनका पर्सनल टच रहता है, बोलता है कि हमें ऐसा बन के चाहिए, तो उस टाइप से बन के मिलता है। चाहे कार पुणे से आए या कहीं से भी गाड़ी आए, बनाना हमारा काम है। उसको हम इस लेवल पे किस एंगल से कैसा बनाते हैं, आपके सामने है गाड़ी, जो आपको गाड़ी ही बयां करेगी कि कैसा बन रहा है। सो गाइस, फ्रंट का आपने देखा लुक, फ्रंट का एक एक चीज़ हमने आपको बताया कि किस एंगल से गाड़ी बनी है, कि किस लेवल से गाड़ी बनी है। मिरर भी रिप्लेस हुआ है इसमें, जो मिरर आते नहीं हैं ओल्ड मॉडल में। सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार में क्या क्या चीज़ है, पहले गाड़ी का क्या हाल था और अभी गाड़ी का क्या हाल है। ओल्ड चीज़ों में सिर्फ आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स ही है, अलॉय व्हील्स का भी पेंटिंग वगैरह हुआ है। थोड़ी सी पहचान चाहिए गाड़ी में, नहीं तो लोग बोलेंगे कि गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी का वीडियो डाला आपने। तो थोड़ी पहचान रखने के लिए अलॉय व्हील्स है। अभी टायर भी ओनर का कहने की टायर भी रिप्लेस होने वाले हैं, तो इसके लिए टायर्स जब रिप्लेस हो जाएंगे तो टायर के बाद का भी वीडियो दिखाएंगे हम आपको। फ्रंट साइड से आपने देखा, साइड एंगल में थोड़ा सा एक्सेसरीज वगैरह का काम किया है, डोर वाइजर्स लगाए हैं गैलियो कंपनी के, हैंडल्स क्रोम वगैरह है, छोटी मोटी एक्सेसरीज जो आती है वो पूरा जो वर्क हुआ है। साइड के जो स्टेप्स वगैरह आते हैं, स्टेप्स वगैरह ये सब चेंज हो गए हैं, क्योंकि वो जो ओल्ड कार थी उसमें बहुत ज़्यादा ही रस्टिंग थी, वो स्टेप्स वगैरह बॉडी लाइन में आता नहीं है, तो एक्स्ट्रा फिटिंग के हिसाब से स्टेप्स वगैरह चेंज हुआ है। रूफ रेल्स भी इसके चेंज हुए हैं, बैक साइड से देख सकते हैं आप, जो मैं बताना चाहूँगा, जो पीछे की बैक साइड में S10 में आता है वो टेल लाइट एंड पिलर में रिप्लेस होने के बाद वो इसका एंगल स्टैंड आउट आप देख सकते हैं। महिंद्रा की ही कार है स्कॉर्पियो, जो उसको बनने के बाद आप देख सकते हैं कि किस एंगल पे बना है। MH12BN909 गाड़ी का नंबर है, पहले भी जूने भी जो वीडियो है उसमें भी सेम नंबर, सेम गाड़ी है, सेम चीज़ है, जो पूरा वर्क हुआ है उसमें भी सब चीज़ मिलेगा आपको। स्कॉर्पियो S10 बनने के बाद जो आप देखेंगे इसका पूरा आउटर का हमने बताया, अभी बैक साइड में रिफ्लेक्टर लाइट भी लगा है इसमें, जो डमी रिफ्लेक्टर आता है उसको रिप्लेस करके रिफ्लेक्टर लाइट लगाया है, कैमरा लगाया है, आप देख सकते हैं कैमरे की फिटमेंट। बॉडी लाइन का कोई भी वर्क हो आप एंगल टू एंगल चेक कर सकते हैं कि किस एंगल से किस हिसाब से गाड़ी का बॉडी लाइन चेंज हुआ है, जो पहले की कार में और अभी की कार में कितना फ़र्क आ रहा है। स्टैंड आउट एक उठ के आ रहा है गाड़ी में, जो हाईलाइट हो रहा है एक न्यू कार के। कस्टमर को न्यू कार नहीं चाहिए था, उनका पर्सनल टच था कि हमारी ओल्ड कार है, ओल्ड कार को ही बनाना है हमको। होता है कई बार कि गाड़ी उनके पास 10 गाड़ी रहती है, 15 गाड़ी रहती है, लेकिन ओल्ड कार है जो हमको बेचना नहीं है। उनका पर्सनल टच है कि हमको बना के रखना है गाड़ी को, बना के भले उनके गैराज में खड़ी रहेगी गाड़ी, लेकिन हमको उसको बना के रखना है। की से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप की कितनी पुरानी है, अभी की भी रिप्लेस करने को आया है, की भी रिप्लेस करके हम नया की बनाएंगे इसमें। सो आउटसाइड का हमने सारा चीज़ें देख लिया, अभी गाड़ी भी देख ली पूरी, ओके है। इंटीरियर में आते हम, इसमें इंटीरियर में क्या वर्क किया हमने आप देख सकते हैं। ऑल ओवर इंटीरियर जो है ना, एकदम लग्जरियस इंटीरियर के हिसाब से गाड़ी का इंटीरियर बना है, आप देख सकते हैं। इंटीरियर बनने के बाद
इसका जो लुक है, एक सीट कवर्स, स्टेयरिंग कवर, जो वुडन के वर्क्स हुए हैं आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ है ना जो वुडन के वर्क्स जो हुए इसमें। सो टैन कलर और आलमंड कलर दो कलर में मिक्स करके पूरे कलर को मॉडिफाई किया है। टॉप का जो कपड़ा है, टॉप के कपड़े भी सॉफ्ट वेलवेट में हमने इसमें रिप्लेस किए हैं, बाकी जो आते नॉर्मल वो कपड़े में आते हैं दूसरे कपड़े में, और इसमें जो हमने सॉफ्ट वेलवेट का टॉप रिप्लेस किया है। फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं, साइड एंगल से स्टेयरिंग व्हील को पूरा रैपिंग किया है। स्टेयरिंग भी कस्टमर का कहना है कि न्यू मॉडल का इसमें बिठाओ। सो गाइज अभी प्रोसेस चालू हो सके, आगे स्टेयरिंग के भी अप्रूवल आए तो स्टेयरिंग भी हम इसमें रिप्लेस करेंगे। डैशबोर्ड भी ओल्ड मॉडल का है, डैशबोर्ड भी नया है, नया बिठाना है। कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट नहीं था डबल डैशबोर्ड रिप्लेस करने का, लेकिन जब गाड़ी बन गया है, बनने के बाद कस्टमर देखा है, बोला है सलीम भाई एक ही चीज़ बचा है इसमें, डैशबोर्ड और स्टेयरिंग रिप्लेस कर दो। सो गाड़ी का अलग ही लुक आ जाता है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि डोर पैड वगैरह हमने S10 का लगाया है। आप देख सकते हैं कि डोर पैड S10 लगने के बाद इसका फिटमेंट किस एंगल से होता है। नहीं तो बाकी गाड़ियों में देखेंगे कि पावर विंडो का जो होता है सिस्टम यहाँ पे नहीं आता है। जो अपना S6 और S8 है या S10 में देखेंगे तो शायद पावर विंडो का इसमें नहीं आता है, तो इसमें पावर विंडो भी हमने यहाँ पे किया है। कार्बन फाइबर का जो वर्क किया है आप देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड है टैन कलर और कार्बन फाइबर का जो पट्टी का एंगल है वो फिटमेंट होने के बाद एक सॉफ्ट वेलवेट पे डोर पैड का कपड़ा रिप्लेस किया है। सो गाइस इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में डोर पैड का जो काम हुआ है एक अपनी जगह पे अल्टीमेट है। कोई भी इंटीरियर आपको बनाना हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको देख देख के बोर हो गए हो इंटीरियर से, तो गाइस KGN ऑटो वर्क्स में आइए, आपको इंटीरियर स्टेप से बना के देंगे हम। कि इंटीरियर बोलेंगे कि हाँ ये लॉन्च है, इंटीरियर बन के आया है कोई चीज़ का। एक एक चीज़ कार्बन फाइबर चीज़ से आप देख सकते हैं, जो टच दिया यहाँ पे आप, वो एक जो कारीगर होता है उसने अपनी जान लगा के इसमें मेहनत करके बना दी है गाड़ी को कि किस एंगल से गाड़ी बनी है। नीचे ग्रास मैटिंग लगाए हैं, कस्टमर का ही मानना था कि ना ही कोई 70 चाहिए, ना ही कोई 3D मैट चाहिए, सिंपल ग्रास मैट चाहिए, तो हमने ग्रास मैट यहाँ पर ग्राउंड फील के हिसाब से लगाए हैं। जो ग्रास मैटिंग में थर्ड रो का सबसे बड़ा है रोल होता है कि थर्ड रो में क्या आपने डाला रहेगा, तो थर्ड रो में भी बताना चाहेंगे कि जो फुल टाइप का ग्रास मैट आता है आप देख सकते हैं, इस टाइप का ग्रास मैट लगने के बाद जो इंटीरियर है एक कितना ही ग्राउंड फील हो रहा है इंटीरियर, जो बैक साइड की सीट पर देख सकते हैं। ओल्ड कार है लेकिन बनने के बाद कैसा लुक आ रहा है। सो गाइज इंटीरियर एक सामने से, फ्रंट से, बैक से, हर एक एंगल से इंटीरियर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो स्कॉर्पियो है या कोई और कार है। सो गाइज इसमें ज़्यादा कोई सिस्टमेटिक काम नहीं, सिस्टम का एम्पलीफायर का वर्क नहीं हुआ है। नॉर्मल जो दो स्पीकर पायनियर के आते 6 इंचेस के दो स्पीकर लगाए हैं, फ्रंट डोर में भी पायनियर के स्पीकर लगाए हैं, एक ऑटो एंड्रॉयड प्लेयर लगाए हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे हम एंड्रॉयड प्लेयर लगने के बाद कि इसका लुक वगैरह कैसा दिख रहा है। साइड में थोड़ा सा स्कॉर्पियो का यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो को हाईलाइट करने के बाद रेड एंगल से जो डाउन पोजीशन में अपना ड्रम के ऊपर रेड है और स्कॉर्पियो पे रेड है, और फ्रंट का जो डिक्स आता है कैलिपर को भी हमने इसमें रेड किया है। तो रेड एंड ब्लैक मैकविल के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से आप कमेंट में बोल सकते हैं कि किस टाइप से बना है। और गाइस एंड्रॉयड प्लेयर की बात करेंगे हम, एंड्रॉयड प्लेयर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड प्लेयर में भी सेम है, ये टाइप 1 स्कॉर्पियो है जो आपको शायद ही इसका फ्रेम कहीं पे मिलेगा कि इस टाइप में किसी ने एंड्रॉयड बिठाया हो। एंड्रॉयड प्लेयर लगाने को तो बहुत सारे हर गाड़ियों में कॉमन होता है, एंड्रॉयड प्लेयर कोई भी लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे 9 इंचेस के जो फ्रेम लगने के बाद इंटीरियर में जो वुडन का वर्क हुआ है वो एकदम अलग है, सबसे हटके है। शायद ही आपको स्कॉर्पियो ओल्ड में ऐसा एंड्रॉयड बिठाया हुआ मिलेगा, आपको स्कॉर्पियो न्यू में मिलेगा, उसके न्यू वाले स्कॉर्पियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब में बना है, लेकिन टाइप 1 का जो एंड्रॉयड फ्रेम है एकदम अलग है अपनी जगह पे। सो गाइस इंटीरियर का ही आपने देखा वीडियो, एक एक चीज़ देख सकते हैं आप, जो काम हुआ है, जो वर्क हुआ है, कि किस एंगल पे वर्क हुआ है। आपका ऐसा कोई कार है बनाना है जो उसको फुल ओवरकोट पेंटिंग कराना है या फिर मॉडिफिकेशन कराना है, एक्सेसरीज लगाना है, सो KGN ऑटो वासी में आइए आप, हम आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करके जिस टाइप से हमने स्कॉर्पियो बनाए हैं और बोनेट ओपन करके भी हम आपको बताना चाहेंगे
कि इंटीरियर में जो बोनेट का आपने काम किया है, तो बोनेट में आप इंजन वहीं रखा है कि इंजन रिप्लेस किया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बट गाइस, इंजन कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है, इंजन वही का वही है। आपको बोनेट ओपन करके हम दिखाना चाहेंगे। सो गाइस, देख सकते हैं इंजन जो टाइप 1 स्कॉर्पियो में आया था वही इंजन है। इंजन में कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, इंजन एकदम कड़क है। हाफ सेल मारो, गाड़ी स्टार्ट होता है। तो कस्टमर का यही है कि हमारा जो डे 1 से टाइप 1 स्कॉर्पियो आई थी, हमको उसको बना के रखना है। हालांकि ये ओनर के पास ऑलरेडी 3-3 फॉर्चुनर है, जैगवर है और भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं तो जो नाम है। तो आपके पास भी ऐसा कोई कार हो, बनाना हो या रखना हो, तो आप KGN ऑटो में एक बार कॉन्टेक्ट करिए, बना के लीजिए गाड़ी को, अच्छा करके रखिए गाड़ी को, जब तक है अपने आप पर्सनल टच देने का गाड़ी में। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। KGN ऑटो में आइए, आप एक बार विजिट करिए, पूछिए, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसा गाड़ी बनाने का है।